न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह का हुआ समापन। राज्यपाल राम नाइक ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन को डॉक्टरेट की उपाधि सहित कुल 19 मेधावियों को कुलपति स्वर्ण पदक से किया सम्मानित। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए राज्यपाल राम नाइक ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल को देखते हुए बड़ी संख्या में प्रदेश में आने वाले हैं उद्योगपति, रोजगार की बहेगी लहर। कैन थाना क्षेत्र में हुए फायरिंग का एक अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। एक कार्बाइन, एक पिस्टल सहित प्रतिबंधित बोर के कारतूस बरामद। एसएसपी ने बाकी नामजद 3 अभियुक्तों पर किया 25,000 का इनाम घोषित। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी का व्यक्तित्व, हिमालय की ऊंचाई और उनके विचार समुद्र जैसे थे गहरे। दी भावभीनी श्रद्धांजलि। चिल्वाताल स्थित वृद्धाश्रम में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप, आरोपी मैनेजर पुलिस हिरासत में। एसएसपी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। चोरी और लूट के एक लैपटॉप, 6 मोबाइल, 500 रुपए नगद, एक तमंचा, जिंदा कारतूस तथा चोरी के उपकरण के साथ शाहपुर पुलिस ने किया 2 अभियुक्त को गिरफ्तार। थाना प्रभारी शाहपुर ने किया खुलासा। विद्या भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। विजय खिलाड़ियों को पदक देकर मुख्य अतिथियों ने किया सम्मानित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट के समक्ष लगाया गया सदस्यता शिविर। विश्वविद्यालय के 5,000 छात्र छात्राओं को परिषद के साथ जोड़ने का बनाया लक्ष्य। केरल राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में उत्पन्न जल प्रलय से बेघर हो चुके नागरिकों हेतु आवश्यक जीवन उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराए जाने का उत्तर प्रदेश शासन ने दिए निर्देश। डीएम ने दी जानकारी। और झमाझम हुई बारिश से सड़कों पर हुआ जल जमाव, जाम से घंटों जूझते रहे लोग।